उत्तर प्रदेश में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त सरकारी आवास नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं। अब इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। भले ही सत्ता चली जाए, सीएम की कुर्सी चली जाए, अधिकार छिन जाए, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ नहीं छिनता तो वो है सरकारी बंगला। मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बने नेता सत्ता जाने के बाद भी सरकारी आवास में आराम फरमाते थे, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने नेताओं के आराम पर विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बेघर करने का फरमान दिया है जो कई दशकों से पद जाने के बावजूद सरकारी बंगले में मौज कर रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ लोक प्रहरी ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजनल एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार ने स्थायी आवास के तौर पर सरकारी बंगला दिया था। कानून के मुताबिक राज्य सरकार ने 5 मुख्यमंत्रियों राजनाथ सिंह, राजस्थान के उपराज्यपाल कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और एनडी तिवारी को सरकारी बंगला दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री जब अपना पद छोड़ता है या फिर सरकार में नहीं रहता तो वो आम आदमी की तरह हो जाता है, ऐसे में उसके पास सरकारी बंगला होना समझ से परे है। आपको बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला की सुविधा दी थी, लेकिन इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कई बड़े नेताओं को झटका दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।